दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पीएनबी वन एप्लीकेशन में आप सभी क्यूआर कोड किस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी पीएनबी वन एप्लीकेशन का क्यूआर कोड कैसे निकालें। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी ने अभी तक चल रहे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चल रहे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे जब भी मैं कोई इसी तरीके से नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और वो वीडियो मेरे आप सभी सबसे पहले देख पाएंगे। इसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, स्नैपचैट, जहाँ पर भी आप का अकाउंट है आप शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद यहाँ पे आप सभी को लिखना है पीएनबी क्यूआर कोड। इस तरीके से आपको क्यूआर कोड लिख देना है कमेंट बॉक्स में तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो देखा, और कोई भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब आप सभी को पीएनबी वन एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो एम पिन बना रखा है वो एम पिन डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे क्यूआर कोड देखने के लिए यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे यूपीआई आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी देखेंगे जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे। उसके बाद ये अकाउंट आपका जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट सबसे पहले दिखाएगा। ये यहाँ पे यूपीआई आईडी आपको दिखाई देगी और यहाँ पे जो है बैंक का जो अकाउंट नंबर वो दिखाई देगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या फिर उसे यूपीआई आईडी कहते हैं वो आपने नहीं बनाया है तो आप अभी क्यूआर कोड नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले वो बना लीजिए, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ व्यू क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड पर जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे आपका क्यूआर कोड दिखाई देने लगेगा। अब इस तरीके से आप पीएनबी वन का क्यूआर कोड आसानी से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ पीएनबी वन एप्लीकेशन का क्यूआर कोड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।